गुड मॉर्निंग सभी को। स्क्रैच टू हीरो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज दिन की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ब्लैक कॉफी से, फिर उसके बाद जो भी अपना रूटीन है, जो भी अपनी चीज़ है उसको फॉलो करेंगे और मेक श्योर कि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाएंगे और स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत आगे तक करेंगे। फाइनली बहुत दिनों बाद अपनी मंजिल पर आया हूँ और अपने घर पर आया हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, वेलकम टू स्क्रैच टू हीरो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और अभी मेरे इतने फैमिली मेंबर ऐड नहीं हैं, तो इस वजह से लोग और मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पता है लोग नहीं देखेंगे। बट मुझे अपने काम पर फोकस करना है और मुझे कंसिस्टेंसी वर्क करना है इंटेंस वर्कआउट पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद आने में ना एक्सरसाइज करने में, अब पूरी बॉडी की मिक्स एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एकदम से हैवी लिफ्ट नहीं उठा सकता क्योंकि बॉडी में पेन हो जाएगा। तो भाई मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ कि सारे जितने भी अपने इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, उन सबको मिक्सचर मार रहा हूँ। उसके बाद एक वीक तक मारूंगा। ये तो हमारा फॉर्मूला बचपन से ही है कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ तो एक वीक तक आप सारी मशीनें मिक्स मारो और कम वेट मारो, ताकि बॉडी को, जैसे ही बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद उस फ्लो में आ जाती है ना, तो फिर आप इंटेंस वर्कआउट अपना चालू कर सकते हो। अब आप डेली बेसिस पे अपने सेट्स तैयार कर सकते हो कि आपको चेस्ट आज करनी है, आज बैक करनी है, आज लेग डे करना है, तो ये सारे दिन आप डिसाइड कर सकते हो। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी बॉडी को उस फ्लो में लाओ। भाई ये है भी बॉडी की कंडीशन, थोड़ा बहुत ज़्यादा फैट आ गया है बॉडी में, खुद को अच्छा नहीं लग रहा। बट यार कैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, वो बात तो ठीक है, लेकिन अपने आप को चेंजेस लाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये तो बात ठीक है, आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। बट भाई अगर आप भाई ये चीज़ ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी आया है ना, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो लाइफ कुछ और होती। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने आप को ढालो उस चीज़ में। यार वीडियो बनाने में भी ना थोड़ी शर्म से आ रही है और हेजिटेशन से हो रही है, पता क्यों? क्योंकि एक तो शरीर ऐसा है और लोग सोचेंगे सारा एक्सरसाइज कम कर रहा है, पता जाता रहा है। पर भाई मैं क्या करूँ यार, मैं ना वीडियो के जरिए ही अपने आप को चेंज लाना चाहता हूँ यार। मैं ऑफ कैमरा भी बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत बार ट्राई करा, नहीं हो पाया। क्या पता यार मैं इस बार दिखा के कर सकूँ, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहे कि भाई क्या हुआ, हो गई हवा ख़राब, ऐसे करके। लेकिन यार हर बार मैं ऑफ कैमरा करके ना मैंने बहुत ट्राई करा, मेरे मन में ही नहीं आया यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार। क्यों एक भी वीक अब मिस हो जाता है ना, तो आपके मन से जमीन हट जाती है, ये सच बात है। और फिर उसके बाद यार आलस, और आप अगर मन की सुनोगे ना तो मन तो विचलित करता है भाई। इसलिए यार भाई डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में और अपने आप से एक ऐसा प्रॉमिस करो कि भाई हाँ यार मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई मैं इसी चक्कर में वाली सीरीज़ लाया हूँ, और इसमें ये सीरीज़ मैं अपने लिए लाया हूँ और अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स, जो भी भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्या पता यार मेरे जैसे बंदे को देख कर उनको मोटिवेशन मिल गया, वो भी अपनी एक्सरसाइज चालू करे। तो भाई बस स्टार्ट करो ना यार, एक साथ करते हैं, देखते हैं रिजल्ट। 100 डे का चैलेंज है, 100 डेज का चैलेंज है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। एटलीस्ट हमें मेहनत तो करनी है ना। जिम से आने के बाद मुझे अपनी मील कंज्यूम करनी है, तो मैं मील में आज फिर से बॉयल एग और लूँगा, जिसमें एग की फिलिंग होगी। और थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना प्रोटीन शेक भी कंज्यूम करा है,
तो भाई बॉडी को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर अभी ये मेरा स्टार्टिंग का दौर है और मुझे अपने आप को फिर से उसी फ्लो में लाना है, तो मुझे अपनी डाइट पे भी मेन फोकस दिखाना होगा, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो गाइज आप देख सकते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको खुद भी एक बेस्ट कुकिंग आनी चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं आता था भाई, बट मैं सीख रहा हूँ। तो मैं अभी स्पिनिश रोल बना रहा हूँ अपने लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सा बस अपना थोड़ा सा बटर लगा के उसको, जो रोल आता है यहाँ पर फ्रोजन रोल होता है, इसको सिर्फ नॉर्मल इस पर रख दो और उसमें एक अंडा फोड़ दूंगा और उसके बाद थोड़ी फिलिंग डाल दूंगा लेटस एंड टमाटो की। बस भाई हेल्दी खाना भी हो जाएगा। और सो भाई अगर आप एक अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो तो आपको कुकिंग आना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या खाना है, किस तरह की मील कंज्यूम करनी है। कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले। ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ मैं, बट भाई ज्ञान की बातें नहीं बोल रहा, मेरे को भी कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं पता कैसे बनाते हैं क्या। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं फिर भी बना रहा हूँ, फिर भी खाऊंगा। अब मैं स्पिनिच रोल बना रहा हूँ, सुनने में बड़ा वैसा लग रहा कि भाई क्या बना रहा हूँ, बट ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर ऑलरेडी फ्रोजन, मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ, ऑलरेडी ये फ्रोजन पैकेट आता है रोल का, इसमें रोल बने होते हैं। आपको जस्ट नॉर्मल रोल को थोड़ा सा कुक करना है और इसमें मैं दो अंडे फोड़ दूंगा, और जैसे एग रोल हो गया सेम टू सेम, और मेरे पास लेटस पड़ा है, लेटस की फिलिंग डाल के थोड़े से अनियन और टमाटो डाल के, बस भाई बहुत अच्छा स्वाद भी आता है और बहुत हेल्दी भी है। एवरीवन हैज़ अ बैड डेज इन द पास्ट एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो वन रूल, देयर इज अ कोट समथिंग, जस्ट पॉज योरसेल्फ, देन रेस्ट योरसेल्फ एंड देन रेस्ट, रीसेट एंड रीस्टार्ट। ठीक है, अपने आप से कभी गिव अप नहीं करना है, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है और मेहनत करते जाना है। सबसे रोल तैयार हो चुका है, मैंने जिस अंडे को इसमें फैट दिया है यानी फोड़ दिया है। तो गाइज ये मेरी रोल की फिलिंग चालू रेडी हो चुकी है, मैंने इसमें टमाटो काट के उसके कुछ पीसीस गोल करके डाल दिए हैं, बाकी इसमें क्या बोलते हैं इसको, कोल्सो डाल दिया है मैंने और सैलड डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगा, आई गॉट दिस वन, बात के लिए स्वीट चिली मायो डाल देता हूँ थोड़ा, मेरे को खाने में अच्छा लगे टेस्ट का, तो हल्की सी इसकी फिलिंग आ जा यार। गाइज अब इस अभी सामने आप ये अंडों की कंडीशन देख रहे हो ना, इसको मुझे छीलने में अराउंड पूरे 10 मिनट लग गए, फिर भी इतने अच्छे नहीं छिले, बट एनी वेज कोई नहीं भाई, खाना है तो करना पड़ेगा। तो गाइज अपने आप से मील बनाकर खाने का भी अलग मजा है यार, सच बता रहा हूँ, कैसे भी छिले हैं कैसे भी हुआ है बट खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइज फिर से मिलता हूँ आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में और एक नई रूटीन में, आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहा हूँ, और फिर से हमारी स्क्रैच टू हीरो वाली सीरीज पर जारी रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। और ओके गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, राम राम जी।